यही रुकोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? और तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। नहीं हुसना, जा जा के मेरी शहजादी के वास्ते गरम बादामों वाला दूध लेके आ। नहीं देख देख, जरा पीली फटक हो गई है कुड़ी। अच्छा सुनो, पूरे 8 बजे पहुंच जाना, ठीक है? और लेट हो गई तो फिक्र ना करना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, याद रहे जारा को कुछ भी ना पता चले, ठीक है? अच्छा, तो आज ओन उस तलंगनी से मिलने जा रहा है जिसके इश्क ने ये स्यापा हमारे गले में डाला है। आज तो हमें कोई फैसला करना पड़ेगा। उनका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? लोग देख रहे हैं, दुनिया तो देखेगी जब मैं इसको बालों में घसीट कर इसके घर ले जाऊंगी, दुनिया को इसके करतूत बताऊंगी। लेकिन लेकिन इस बेचारी का कसूर क्या है? एक तू बेचारा थे, एक मशूमणी बेचारी है। दादी कंट्रोल करे। दादी ने तुम्हें थप्पड़ मारने के रिकॉर्ड से तोड़े। अगली पिछली सारी कसर निकाल दी उन्होंने। मुझे इस बात का भी दुख था कि मेरी तरबियत के बावजूद और अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रहा है। इनका पैशन तो दोबारा से आ गया है। हाँ, तो तभी तो मैंने निकाले हैं ये। और ये दादी तो खूबसूरत है। वाओ जारा। जी अम्मी। जरा बात सुनो। जी अम्मी, मैं कल से सोच रही हूँ कि चलो बाकी सारी बातें तो गलतफहमी की बिना पर हुई, मगर वो क्या किस्सा था जो तुम कह रही थी कि अगर वो दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मुझे एतराज नहीं करना चाहिए? तुम किसके बारे में कह रही थी? मम्मी, मैं आपको बाद में बताऊंगी ये बात, अकेले में। हाँ, इनके सामने वैसे भी ना कहना। हाँ, ये मेरे ब्याह का था ना। ये क्या था? लगता है ऑन घर आ गया। अब आ तो गई हूं। तुम्हें मेरे घर में दाखिल होते ही मेरे पास आ जाना चाहिए। दादी से बात कर रही थी। सारा दिन तो उन्हीं के साथ होती हो, तब कर लिया करो ना बातें। लेकिन जब मैं घर वापस आया करूं तो सिर्फ मेरे से बातें किया करो। अच्छा, अब बातें करें। ये बताओ, ऑफिस में दिन कैसा रहा? ये मत पूछो, ये पूछो तुम्हारे बगैर दिन कैसा गुजरा। वो तो नहीं मैं पूछूंगी। क्यों? क्योंकि इसका जवाब मैं जानती हूँ। अच्छा, वो क्या? तुम्हारा दिन भी ऐसे रहा ना जैसे मेरा दिन तुम्हारे बगैर। जारा। जी अम्मी। अम्मी आप फिर से? इस बार तो नौकर के ही आई हूं ना, वैसे भी मुझे तुमसे काम नहीं है, मुझे जारा से काम है। जारा हो ना? जी अम्मी। आपको जारा से इस वक्त क्या काम है? जारा मुझे कुछ बता रही थी, तुम्हारे आ जाने से बात बीच में रह गई।
जरा मुझे बताओ ना, मुझे तो रात को नींद नहीं आई। आइए बताऊंगी तो। आइए। क्या जी? पहले तो मुझे भी शक हुआ लेकिन बाद में यकीन हो गया। नहीं जरा, हमें ऐसी गलतफहमी ना हो जाए जैसे उनके बारे में हुई थी। नहीं अम्मी, मैंने खुद आंखों से देखकर कानों से सुने। ये बात है बड़ी अजीब। हाँ पहले तो मुझे भी अजीब लगी लेकिन अम्मी उन्हें भी तो पूरा हक है ना अपनी जिंदगी गुजारने का। लेकिन ज़ारा लोग क्या कहेंगे? बात है तो काबिल एतराज ना। काबिल एतराज क्यों है? लोग दूसरी शादी नहीं करते? करते हैं, हर उम्र में करते हैं। मगर ये मामला बहुत नाजुक है। एक तरफ तुम्हारे डैडी, दूसरी तरफ ऑन की पप्पो। बड़ा टेढ़ा रिश्ता है। हम इस टेढ़े रिश्ते को सीधे रिश्ते में तब्दील कर देते हैं। आप बस प्लीज मेरे मिशन में साथ दे दे। ना बाबा ना, पता नहीं अम्मा क्या रदे मलो, सारी उम्र के बाद तुम्हें जूतना पड़वा देना। प्लीज ना, प्लीज। एक चीज हो सकती है। क्या? तुम निगहत से बात करो कि वो सब के सामने इस ताल्लुक को कबूल करने की हिम्मत पैदा करे और फिर अपने डैडी को तैयार करो कि वो बाकायदगी से निगहत का रिश्ता भेजे। फिर मैं इस रिश्ते का साथ दे सकती हूँ, उसकी हिमायत कर सकती हूँ। पक्का? याद आ गया तुम्हें कि तुम्हारा एक अदद शौहर भी है। अम्मी से बहुत जरूरी बात कर रही थी। इतनी लंबी बात? कितनी रात हो गई है। हाँ, पक्का पता ही नहीं चला। इतनी भी क्या जरूरी बात थी कि तुम मुझे ही भूल गई? मैंने भी तो तुमसे कितनी बातें करनी थी। अब आ तो गई, अब बातें करें। अच्छा सुनो अम्मी ने मुझे। यार जारा, जो बातें अम्मी से करती हो वो यहाँ करना जरूरी है? जो बातें सास से की जाती हैं वो और होती हैं और जो बातें शोहर से की जाती हैं वो और होती हैं। इतना भी नहीं समझती? मैं तो तुम्हें सिर्फ बात शेयर कर रही थी। अम्मी ने पप्पो की खुदा का वास्ता है जारा, कभी अम्मी कभी पप्पो, अब तो मुझे वो मजे मजे की बातें और टोटके सुनाओगी जो दिन में तुम्हें दादी ने सुनाई। तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है करने को? नहीं, अगर तुम्हारे पास है तुम कर लो। नहीं है। हेलो हेलो। हाँ क्या हाल है मेरे शहजादे? अस्सलाम वालेकुम चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ना बहुत उदास हूँ। एक तो आप मेरे बगैर फौरन उदास हो जाती हैं। इस बार तुझसे नहीं, अपनी जारा से उदास हूँ। जरा बुला ना, दो मीठी बातें ही कर लूँ उससे। हेलो हेलो, मुझे लगता है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, अब आ रही है? हेलो, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बहुत इंटरप्शन है। हेलो हेलो हेलो, नहीं होगी तो मेरी टाइज कौन मैच करेगा? क्यों, मैं कहीं जा रही हूँ या मरने वाली हूँ? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो?
कितने फिल्मी हो, बिल्कुल 70s के स्टाइल में तुमने मुझे कहा। हाय अल्लाह ना करे। आउच! खुदा के वास्ते चीख तो मत मारो, वरना बाहर सब ये समझेंगे कि मैं फिर दोबारा तुम्हें पैसे मार रहा हूं। अच्छा सुनो, आज फिर दोबारा बाहर मिले छुप छुप के? नहीं, मैं कुछ बिजी हूँ, बल्कि आने वाले दिनों में तो ज्यादा बिजी हो जाऊंगी। क्यों? अम्मी ने ना मुझे एक मिशन सौंपा है। मिशन? अच्छा, पप्पो है ना, अम्मी ने मुझे पता है ये सब मिशन विशन मुझसे दूर रहने के बहाने हैं। लेकिन और तूने फिर वही हरकतें शुरू कर दी, ऑफिस क्यों नहीं गया तू? दरअसल मैंने तुझसे एक जरूरी मशवरा लेना था। देख, अब तेरी शादी हो गई है, ये भाग भाग के मेरे पास क्या लेने आता है? ये तो कैसी बातें कर रहा है? किसी ने तेरी बात ये सुन ली ना, तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या उठपटांग सोचेगा। यार ड्रामे बासू पहले भी था, अब तो पूरे का पूरा भांड हो गया है। देख, मैं तेरी ये बात माइंड भी कर सकता हूँ। तो कर ले माइंड, रोका किसने? पांव पटक और चला जा यहाँ से, दफा हो जा। मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या माइंड करना? नहीं, मैं अपने घर और घर वालों को छोड़ने का सोच रहा हूँ। क्या कह रहे? यही इलाज है सबका कि मैं ज़ारा को लेके घर से भाग जाऊं। तुम दोनों की जोड़ी दुनिया की यूनिक जोड़ी होगी जो शादी के बाद भागेगी। वैसे सोच मंजर, वहां मैं और ज़ारा अपनी अलग दुनिया बसाएंगे जहां सिर्फ वो होगी और मैं। सिर्फ तू, नेक ख्याल नहीं है। और जो मेरे घर वाले मेरे साथ कर रहे हैं वो ठीक है, उनको ना मेरे जज्बात की परवाह है ना प्राइवेसी की, लेकिन वो तेरे ख्याल में सेट है। हुस्ना खाला और पप्पू मान जाएंगी? मानना पड़ेगा, बल्कि तू देख दादी खुद अपने मुंह से इजाजत देंगी। ऐसा क्या करने वाला है तू? देख, पिछले दोनों के वाके से एक बात तो क्लियर हो गई है, किसी की नजरों से गिर के रहना मेरे लिए नाकाबले बर्दाश्त है। और ज़ारा का तो इंप्रेशन उन सब लोगों के सामने इतना अच्छा है कि अगर मैंने अलग रहने की बात भी की ना तो वो सब लोग ये समझेंगे कि मैं ज़ारा को उनसे दूर करना चाहता हूँ। मेरे पास एक ऐसा हल आया जैसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तू और तेरे हल। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, माहिया में ना बेंदी वे, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ तेरे बाजरे दी राखी, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ माहिया में ना बेंदी वे, ओ तेरे बाजरे। इतना क्या जरूरी काम है जो तुम माहिया को मुंह पर इनकार कर रही हो? तुम आ गए? हाँ आ गया हूँ, लेकिन अब तुमने दादी के सर पे तेल लगाना होगा, अम्मी के साथ कोई रेसिपी डिस्कस करनी होगी, फूफो के साथ फैशन टीवी देखना होगा। बाहर में जाए सारे, लानत भेजता हूं मैं इस बाजरे पर। है? इसका कौन सा पार्ट था जिसकी मुझे रखवाली करनी थी? मिर्दा ठीक ही आखिया, हाँ हो बिल्कुल सही, बस सोनी लंघ गई है। तू यह देख के रब ने दोनों नूहां चंगिया दित्तियां, ताबेदार सोहनिया, ते अगों पोतले दी वोटी दोनों नूहां नालों चंगी। तू यह देख, आहो तैनूं पता नहीं अपना उहने किन्ना अथरा है, कमान वर्गा डिंगा सी ना ते अगली ने तीर वर्गा सीधा कर छड्या। मैं ते कहनी दुआ मंगो अल्लाह हर बेहद है तैनूं ना इह जी वोटी देवे सारा वर्गी। आहो सच्ची पुछ दे यही है। ठीक है, क्यों नहीं लै, केड़ी गल हुई ना आन वाली। तीर की तरह सीधा किया उसने मुझे, मुझ बेहदायत और अथरे को काबू किया है। ये किस किस्म का इमेज बन रहा है मेरा, मेरे ही घर वालों के सामने। तेरे बाज
बाजरे दे राखी, तेरे बाजरे दे राखी, अमाहिया में नाम दी रे, तेरे बाजरे ये तुम क्या हर वक्त गाना गाती रहती हो? आदत है मेरी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इस तरह गुनगुनाना। हाँ तो तुम मत गुनगुनाओ, वैसे भी तुम्हारी आवाज फटे ढोल जैसी है। तुम दिन ब दिन गुस्ताख होती जा रही हो। गुस्ताख? शहजादे सलामत, जान की ईमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, मैंने आपके शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी? ये ड्रामेबाजियां जाके ना गादी के सामने किया करो, उनका दिल बहलाया करो इस फन से। सोनू, आपका दिल कैसे बहलाया करो? मैं बताऊं, तुम ना ओहो, मुझे याद आया, मैं तो शादी की एल्बम लेने के लिए आई थी। शादी की एल्बम इस वक्त? हाँ, वो हमें डिसाइड करने कौन सी तस्वीर बड़ी करवाएं। पर शादी हमारी है, तस्वीरें हमारी हैं, तो हमें डिसाइड करना चाहिए ना कौन सी तस्वीर बड़ी करवानी है। जी अम्मा, ब्याह को इतने दिहाड़े हो गए, एक भी तस्वीर बड़ी नहीं कराई। ये वाली कैसी रहेगी? जारा बहुत प्यारी लग रही है इसमें। जारा तो प्यारी लग रही है, ऑन लेकिन नाक को जा रहा है। ऑन ने ये तस्वीर भी खराब कर दी। जारा इतनी अच्छी लग रही है और उसने आंखें बंद कर रखी हैं। तो इस तरह कार्य कि जारा की तस्वीर बड़ी करा ले, ऑन की कटवा दो। ऑन का तो पता ही कटवा दो। नहीं तो वो जो निकाह वाले दिन मेरी जारा के साथ तस्वीर थी, वो नहीं बड़ी करानी? वो करा लेते हैं, वो करा लेंगे, बिल्कुल करा लेंगे। ऑन ने कोई एक तस्वीर ढंग से खिंचाई हो तो इंसान बड़ी करवाए ना। ये देखो आ रहा है, कहीं मुंह चढ़ा रहा है, कहीं किसी को भूल रहा है, और ये आंखें बंद करनी। मैं जारा की मोहब्बत में उसके रंग में ढला, मगर सारा क्रेडिट ये ले गई कि इसने मुझे बदला है, बल्कि सीधा करके रख दिया है। चलो मुझे ये भी मंजूर है, लेकिन ये भी तो मेरे रंग में रंगे, मेरे मिजाज मेरी पसंद के मुताबिक ढले। मगर नहीं, इसे सबकी पसंद का ख्याल है सिवाय मेरे। काश तुम जान सको कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, इतनी कि तुम्हें किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारे चेहरे का इत्मीनान और ये सुकून भरी नींद बता रही है कि तुम मेरी मोहब्बत के बगैर भी खुश हो। लेकिन देखना जारा, मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि सिवाय मेरी मोहब्बत के तुम्हें कुछ और नजर ना आए। अम्मा खुदारा, अब सबके सामने जारा की तारीफों के पुल ना बांधा करें, लोगों की नजरें तो पत्थर फाड़ होती हैं। मेरी इतनी प्यारी सी बहू को नजर लग जाएगी। पुत्र नाश्ता करना, परौंठे ठंडे हो गए। वैसे ना बड़ी भी होश माँ है, इतने सालों में कुछ नहीं सीखी, नहीं पुत्र का ख्याल रखना नहीं सीखी तू। अब क्या कर दिया मैंने? देख तो सही, उसको मरोड़ उठ रहे हैं, उसके पेट में दर्द है। ऑन बेटा, पेट में दर्द था तो मुझे बताना था ना। मैंने जारा को बताया था। हैं? कब बताया था? जब तुम आईने के सामने बाल बनाते हुए धूम मचाले धूम गा रही थी। लेकिन ये गाना तो मैंने बहुत दिनों से गाया ही नहीं है। तो कोई और गा रही होगी, सेकंड हैंड जवानी या इसी तरह का कोई बेहुदा गलीज गाना। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ये अंडा पराठा मेरे सामने मत रखना नाश्ते में, और लंच के लिए मुझे खिचड़ी दे देना। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो कोफ्ते। अच्छा, मैं अभी खिचड़ी लेकर आती हूँ। रहने दे, बहुत देर हो चुकी। नहीं नहीं पुत्र, बैठ जा, भूखा नहीं जाना ना। दादी, हाँ मैंने तो जारा को कहा था कि मुझे नाश्ते में थोड़ा सा दही और इसबगोल का छिलका दे दे, मगर लेकिन मुझे कोई बात नहीं,
मैं अब लंच में चाय में बिस्किट डुबो डुबो के खा लूंगा। जारा, पहली बार मेरा पुत्र घर से भूखा गया है। नहीं, मेरी पूरी जिंदगी में पहली दफा मेरा ओन घर से भूखा गया है। आइंदा से ध्यान रखी। बड़ी बुरी बात है जारा, तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उसके लिए खिचड़ी तो बना देती। अब वो पूरा दिन क्या बिस्किट पे गुजारा करेगा? लेकिन हम बड़े शर्म की बात है। माशाल्लाह, काफी फ्रेश लग रहे हो। जी शुक्रिया। कहीं जा रहे हो? जी हाँ, दोस्त से मिला। खासी स्पेशल तैयारी है, को दोस्त भी स्पेशल ही लगता। आपको नहीं लग रहा है कि आप जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगे? यार तूने झूठ क्यों बोला? उसे फंसाने के लिए और किस लिए? बड़ा शौक था ना उसे आइडियल किस्म की बहू बनने का, तारीफें सुनने का और सबसे लाड करवाने का। अब लग पता जाएगा उसे। शाबाश है, तेरी अलग ही लव स्टोरी है। वैसे जैसे तू अब नॉर्मल है ना, तेरी लव स्टोरी भी अब नॉर्मल है। जब अम्मी दादी और फूफो से लिफ्ट कराना बंद करेंगी ना, तब उसके दिल में मेरे लिए कदर जागेगी। तब उसकी जिंदगी में मैं हूंगा और सिर्फ मैं। ऑन तेरा अल्लाह ही हाफिज है। वैसे अम्मी, मैंने आपको बताया था ना, सारा अम्मा को बताना ही पड़ेगा, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कैसी ऊंच नीच? तुमने सुना नहीं है, जब मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं तो उनके दरमियान कोई तीसरा भी होता है। जासूस? नहीं, शैतान। ये रोज रोज की मुलाकातें कहीं कोई गलत रंग ना ले आए। मुझे तो यही फिक्र है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। नहीं नहीं अम्मी, मेरे डैडी बहुत मैच्योर इंसान है, सुलझे हुए सोबर है। लेकिन निगत सुलझी हुई और सोबर नहीं है, मैं जानती हूँ उसको। और मर्द, मर्द का क्या है, दो मिनट में उनका ईमान डगमगाता है। ये आग और तेल का मिलाप है, शोला कभी भी भड़क सकता है। भाभी, भाभी मैं बाहर जा रही हूँ, 3-4 घंटे तो मुझे लग ही जाएंगे। जारा मेरी जान, बच्चे स्कूल से आएंगे ना, उन्हें होमवर्क करा देना। कहाँ जा रही है? किसी से मिलने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। जारा, ये सोला सिंघार, ये नाजुदा, किसी भी मर्द का ईमान बहक जाए। जारा कुछ करना पड़ेगा बेटा। आप सही कह रही हैं अम्मी, हमें दादी से बात करनी पड़ेगी, वही सही फैसला लेंगी फूफो डैडी के रिश्ते के बारे में। हाय मेरी हंडिया। अम्मा कौन सा चिट्टा चाटा, बाकायदगी से पार्लर जाके उड़ाई करवाती है। नहीं मैं उसकी नहीं, मैं अपने चिट्टे चाटे की बात कर रही हूँ।
नहीं, जो वो लोग देख रहे होंगे उसको ये करतूते करते, वो मेरे मुंह पे थूकेंगे। ये तरबियत की है कुड़ी की, नहीं काकियां उसकी मोड़े तक आ गई, आए मैं मर गई। उसको आप आया था आंख में टक्का करने का ख्याल, आए मैं मर गई। नहीं मैं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। उसकी बच्चियों को भी तो सहारे की जरूरत है ना, बाप की जरूरत है ना, कोई गलत बात नहीं की उसने। आप हौसला रखिए बस। खर्जा नहीं, मैं किसे मुंह बखान जोगी नहीं रही, मैं मर गई। हाय मेरे रब्बा, मैं केड़ा दिहाड़ा, केड़ा दिहाड़ा सी। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, उसने कोई गलत काम नहीं किया है, सिर्फ उसका यूं घूमना फिरना गलत है। हम कुछ ना कुछ कर देंगे, उसके ताल्लुक को जायज रिश्ते में बदल देंगे जल्द अज जल्द। अम्मा आप भी ना, मर गया दादी। सुना मेरा चूरन लेके आ, मैं दूं बेटे को। ये ले मेरा बेटा पुत्र, ये थोड़ा सा खा, तू खा तो सही। मुझे नहीं खाना ये शैतानी चूरन। वैसे भी अब क्या फायदा टोटके आजमाने का और दवाई देने का। हाँ। सारी सुबह तड़पते तड़पते गुजर गई, ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी लेनी पड़ी मुझे। अगर जारा ने मुझे सुबह को थोड़ा सा दही दे दिया होता ना तो तो अच्छा होता। ये ले खिचड़ी बगैर मिर्च के शोरबा, नोश फरमाइए। ये राइस है या पुडिंग, और ये शोरबा तो देखें, ऐसा लगता है जग भर पानी मिला दिया है। सत्यानाश, बेड़ा गरक, दूर फिटे मुंह, ये होते हैं लक्षण गृहस्थनों के। हैं सोने सोने कपड़े पा लिए, टीवी देख लिए, कप्पे मार ली, बिस्तरों पे लेट के इतनी इतनी चर्बी जुस्सों पे चढ़ा ली, तो जब हांडी रोटी का वेला आया तो ये कच्चा पक्का बघियाड़ों का ला के वलीमा सामने रख तोड़ा। और नहीं तो क्या दादी, ये खाना इस काबिल है कि किसी के सामने ला के रखा जा सके। मेरा पोता वैश्यों की नस्ल से तल्लक नहीं रखता, जो ये कच्चा पक्का ये खा लेगा। ये पकाना हुआ करे तो अपने पेटियों की गाया करो, जो रोड़े और पत्थर सारे हजम कर देते वहां पकाया करो। ये सब कुछ बंद कर दे अम्मा, खुदा का वास्ते आपको बंद कर दे। अब आपको क्या हो गया? मुझसे नहीं अब और बर्दाश्त होता। लो जी, सास बहू की ऐसी मोहब्बत आज तक नहीं देखी कि डांट जारा को पड़ी है, रो अम्मी रही है। मेरे जवान बच्चों का तो कोई ख्याल कर लिया कर, बहू के सामने तो घोड़े की इज्जत कर दी मेरी आपने। दादी, अम्मी हमेशा से खाना बनाती आ रही है, आपने हमेशा उनके खाने की तारीफ की है। अगर आज उन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया तो इसमें बुरी बात क्या है? ये खाना अम्मी ने बनाया है? जी। तो अगर खाना अम्मी ने बनाया तो ट्रे तो मिलाने की क्या जरूरत थी? हाय, माँ सदके जाए इसके ऊपर। एक तो ट्रे लगा लगा के सजा के नवाबजादे के सामने रखे, ऊपर से इसकी बातें सुनो जरा। वाह जी वाह, अभी दो सेकंड पहले मेरी वजह से आप अम्मी को डांट रही थी, लेकिन बाद जब जारा पे आई है तो आपका प्यारा सा पोता नखरीला हो गया। हरी बात करने सर, ऐसा चल दवा यहां से। दादी पानी। आप बच गई, शामत आ गई अम्मी की, वो भी मेरी वजह से। तुम रो रही हो? नहीं, प्यास काट रही। अच्छा सॉरी यार,
सॉरी क्यों? वो मैं बोलो ना सॉरी क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया था। बगैर इलाज के तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? तुम ही तो हो इस दिल का इलाज, मेरी दवा। तुम्हारी मासूमियत को देख के मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लेकिन तुम्हारी शक्ल में ऐसी कोई बात है कि तुम्हें देख के मेरा गुस्सा ठीक हो जाए? सबके सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। मैं तो मजाक कर रहा था यार। क्या तुम्हारा मेरा मजाक है? तो फिर क्या है? मेरा सर। लेकिन तुमने सब घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने अपनी तबीयत के बारे में मुझे नहीं बताया था। सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा कर। वो दरअसल मैं पप्पू इसमें संगुल लेके आई। कभी मुझसे भी संगुल ले लिया करो। वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आपके दोस्त आपकी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आपका चेहरा तो मेरे को खिल गया है। वाकई में? वो भी कह रही थी मैं बहुत हसीन हो गई हूँ, मेरे चेहरे से नजर ही नहीं हट रही। मैंने भी कह दिया तुम्हारी मोहब्बत है। मोहब्बत और क्या? और क्या क्या किया? क्या बताऊं क्या किया? क्यों? ऐसा क्या किया जो बता नहीं सकती? नहीं बस ढेर सारी बातें। कैसी बातें? दिल की बातें जो दोस्त दोस्तों के साथ क्या करते हैं बस। और फिर हमने लंच किया। किस रेस्टोरेंट में? नहीं नहीं रेस्टोरेंट में नहीं गए थे, मैं उसके घर चली गई थी। कहीं जाने को ना दिल नहीं चाह रहा था, खाना भी हमने वही मंगा लिया था। आप उनके घर गई थी? हाँ पता है उसके सारे नौकर ना छुट्टी पे गए हुए थे, हम दोनों अकेले थे। बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जा। दादी जितनी जल्दी हो सके हमें उनकी शादी करनी पड़ेगी, कहीं पानी सर से ऊंचा ना हो जाए। हाँ है ये केड़ा पानी। दादी प्लीज। लेकिन सारा जब तक निकट खुद हमसे सारी बातें नहीं कह देती और तुम्हारे डैडी तुम्हारे सामने इतराफ नहीं कर लेते, हम भला क्या कर सकते हैं? अम्मी उन्हें तो डर होगा ना कि हम उनके रिश्ते की मुखालफत करेंगे, इसलिए तो हमें बताते नहीं है। हम क्यों ना उन्हें सरप्राइज दें? कैसे सरप्राइज? मैं दादी जी को कहती हूँ कि वो सुबह हमारे घर है और इसी हफ्ते शादी की तारीख तय कर दे, और जब उन्हें पता चलेगा तो उनके लिए सरप्राइज होगा। नहीं जा नहीं परा ये नहीं छेती। दादी यही वक्त और हालात का तकाजा है, अगर एक दिन की भी तखीर हो गई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। अम्मी तुम क्या कह रही हो? कैसे हालात? नहीं तो कैसी परेशानी, क्या नुकसान? मैंने खुल के गल कर मेरे नाल। ओहो मैं जो कह रही हूँ आप दोनों को आप मेरी बात मान लें, बस चुप करके। इंतहा हो गई इंतजार की।
आईना कुछ खबर मेरे यार की। क्या जरूरत थी? ये आपकी बेटी के लिए। शुक्रिया। वो ये मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। ये आपकी ये। अरे हाँ हाँ हाँ। अब भी ना आती, वही किसी अपनी अजीज हस्ती के साथ लिपट के सो जाना था तुमने। कौन सी अजीज हस्ती? इस घर में मेरे अलावा सारी तो अजीज हस्ती हैं जिनके साथ लिपट के सोने के बड़े अरमान रखती हो तुम। तुम्हारे साथ मसला क्या? तुम मुझे अजीबोगरीब ताने क्यों देते रहते हो? अच्छा, तुम अजीबोगरीब हरकतें करो और मैं अजीबोगरीब ताने भी ना दूं? तुम गलती पे गलती करती रहो और ये भी चाहती हो कि कोई तुम्हें एहसास भी ना दिलाए कि तुमने गलती की है। मैं कोई काठ का उल्लू नहीं हूं कि तुम्हारे हर सितम बर्दाश्त करूंगा। खैर मुझे काट का तो पता नहीं, लेकिन उल्लू तुम पक्के हो। ओह, शोहर से ऐसे बात करते हैं? कितनी लंबी ज़बान है तुम्हारी। मैंने तुमसे दो समझ के ये बात की थी, लेकिन अगर तुमने एक बार फिर से मुझे याद करवाया कि तुम मेरे शोहर हो तो मैं दादी और अम्मी को चीख चीख के यहाँ पे बुला लूंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम मुझे मारते हो पीटते हो, और फिर वो मेरी बात को यकीन कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं करेंगी यकीन भाई? पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में जो बंद करके रखा हुआ है तुमने, जादूगरनी ना हो तो। तुमने मुझे जादूगरनी कहा? अब इतनी क्यूट और स्वीट बनने की जरूरत नहीं है। वड्डी आई तू सिंडरेला। तुम भी कोई प्रिंस मायर नहीं हो। यारे मनी बया बया कहीं जा रहे हो? फिर से वही सवाल। मैं सवाल तो नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि जारा के घर एक जरूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूं। खैरियत है? हाँ बिल्कुल खैरियत है। तुम फारिग होकर अपने काम से वहीं आ जाना, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। क्या मामला? क्या मैं जाना? सवाल पे सवाल तुम कर रहे हो, मैं नहीं, आ जाना। Oh, yeah.